हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय श्रीराम वर्षा एकेडमी। दिस इज हिमांशु। लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। सो बेसिकली सुबह में हमने लैब असिस्टेंट एग्जाम जो आपका कल कंडक्ट हुआ था, कुछ 10-11 क्वेश्चन जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग पोर्शन जो है वो हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, यहाँ 10-11 तक शायद ये वाला फैट सोल्यूबल विटामिन ई जो इसका आंसर था, ये हमने डिस्कस जो है वो कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कौन सा है, देखिए, विच रिंग प्रेजेंट इन द ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन में कौन सी रिंग प्रेजेंट रहती है, तो इसका आंसर जो है आपका इंडोल रिंग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच एमिनो एसिड हैज एसिमेट्रिकल कार्बन, सो आंसर इज सी, ग्लाइसिन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आंसर आपका, ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल हैव एसिमेट्रिकल, मतलब ग्लाइसिन के अलावा सब में जो है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन। सो बेसिकली एक और क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ रहा है। देखिए यहाँ पे कोई स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर यहाँ पे एक और ऑप्शन था, ग्राउंड स्टेट विद लोअर रोटेशन, तो अगर ये ऑप्शन था तो मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पे आंसर जो है इसका, देखिए क्या होता है कि मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ, कोई भी मॉलिक्यूल जो अपने ग्राउंड स्टेट में है, जब कोई मॉलिक्यूल अपने ग्राउंड स्टेट में होता है तो वो कुछ ना कुछ तो वाइब्रेशन एनर्जी और कुछ ना कुछ रोटेशन एनर्जी, दोनों एनर्जी वो कुछ मेंटेन करके रखता है। कैसे, कि जब हम सर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं कोई मॉलिक्यूल जो है उसमें नेचुरल वाइब्रेशन जो एनर्जी रहती है, जब हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, ठीक है ना, जब हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ते हैं, जब हम क्या पढ़ते हैं कि सर एनएमआर में कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो रोटेशन होता है उसका, या फिर नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ जो है उसका रोटेशन जो है वो अपने लेवल पर नेचुरल जो उसका रोटेशन जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है कि किस हिसाब से आपका क्वेश्चन आया, क्योंकि अगर ऑप्शन को प्रॉपर वे में देख के हम उसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑप्शन प्रॉपर मेरे सामने नहीं है तो मैं आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। बस आप इतना ध्यान रखिए, कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो अपने ग्राउंड स्टेट में ही रहता है, एक्साइटेड स्टेट में रहेगा ही नहीं रहेगा, और वो कुछ ना कुछ वाइब्रेशन और कुछ रोटेशन एनर्जी को मेंटेन करते हुए चलता है। चलिए, तो नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन हो गया, अमीनो एसिड ग्लाइसिन इसका आंसर रहेगा। 14 जो है आपका C18 जो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था HPLC में जो है C18 और C8 दो कार्बन जो है कॉलम हम यूज करते हैं, जिसको कि हम ऑक्टा डिसाइक्लिन बोलते हैं। ठीक है ना, ऑक्टा बोले तो 18 हो गया, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। तो यूजुअली हम C18 और C8 का कॉलम जो है HPLC में यूज करते हैं, जो कि RP-HPLC में हम यूज करते हैं। चलिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा C18। ओके, नेक्स्ट देखिए, कुछ क्वेश्चन जो है मैंने पूरी कोशिश की बट उसके प्रॉपर वे में मुझे ऑप्शन नहीं मिले, तो मैंने सीधा सीधा उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको दे दिया, होपफुली आपको समझ में आएगा। जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन यहाँ से था कि वॉट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ठीक है, अब ये ऑप्शन जो है किस हिसाब से थे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, तो मैंने सीधा सीधा आपको इसका आंसर जो है वो बताने की कोशिश की है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कैन बी क्रिएटिन कोलेजन एंड इलास्टिन, मतलब जितने भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन है उसके एग्जाम्पल कौन कौन से, क्रिएटिनिन कोलेजन एंड इलास्टिन। क्रिएटिनिन किस में होता है, आपके नाखून में, आपके हेयर में रहता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट कोलेजन एंड इलास्टिक जो है वो आपके कनेक्टिव टिश्यू में रहता है ना, टेंडर्स, जिसको कि मांस और हड्डियों का जो जोड़ होता है उसको टेंडर बोलते हैं, लिगामेंट्स बोलते हैं, तो उनमें सारे के ये प्रोटीन जो है वो अवेलेबल होते हैं, है ना। तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक आपको क्वेश्चन बताया था कि जो आपका कोलेजन है उसके उसके मेंटेनेंस के लिए कौन सा विटामिन जो जरूरी है, तो आपका विटामिन सी जो है। देखिए अभी क्वेश्चन नहीं आएगा बट एक इन फ्यूचर, एक जस्ट नॉलेज के लिए आपको हमेशा याद रहना चाहिए, बी प्रिपेयर ऑलवेज इफ योर एग्जाम इज अवेलेबल और नॉट। ओके, सो विटामिन सी जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है इन कोलेजन्स के पीछे। नेक्स्ट, जी हाँ, फार यूवी रीजन, देखिए ये तो क्वेश्चन जो है वो मैं 2-3 बार आपको बता दिया था, सुबह भी मैंने बताया, काफ़ी सारे क्वेश्चन मिले, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को हेल्प मिली, और इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है कि जो मैंने क्वेश्चन लगभग, देखिए मैंने इस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, देखिए हमारे फार्मेसी फील्ड में मैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस जब पढ़ाता हूँ तो उसमें बेसिकली हम लोग बहुत डीप में पढ़ते हैं, ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया आपका, है ना, इस यूवी के अलावा आपके मास स्पेक्ट्रोमेट्री हो गया, आपका HPLC हो गया, आपका GC हो गया, हम लोग ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और इस पर ड्रग का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा प्रॉपर डीप में भी हम लोग इसको प्रॉपर वे में पढ़ते हैं, बट जैसे कि मैंने आपका सिलेबस देखा और असिस्टेंट डेयरी केमिस्ट का पेपर देखा और आपके पेपर को मैंने अनुमान लगाया, एक एनालिसिस लगाया कि लैब असिस्टेंट के लेवल तक किस टाइप के क्वेश्चन जो है आ सकते हैं,
और जैसे कि मैंने आपको बार बार बोला था, सारे टॉपिक जो एक बार टच कर लेना, क्योंकि पेपर जो है हमेशा ओवरव्यू से ही आता है, ठीक है ना। और थोड़ा सा बस रिवीजन पे ध्यान देना, क्योंकि क्या हुआ कभी कभी हम पढ़ा हुआ है बट भूल जाते हैं ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसने रिवाइज किया हुआ था, जिसको याद आया पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका पेपर बहुत अच्छा गया। अब यहाँ पे फार यूवी की रेंज जो है, इसमें भी आप कन्फ्यूज हो गए। देखिए कंसेप्ट क्लियर रहेंगे ना। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, हमेशा कंपटीशन एग्जाम में क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं ए बी सी डी। अब क्या होता है, हम लोग एक बार जस्ट पढ़ लेते हैं फिर उसको रिवाइज नहीं करते ना, तब क्या है वहाँ जैसे हम कंप्यूटर स्क्रीन पे होते हैं, हमारे हाथ में माउस होता है और हम कंफ्यूज होता है कि सर ये था या ये था, ये था ये, क्यों? क्योंकि अपने पास ऑप्शन है, एग्जामिनर ने ऑप्शन इसलिए दिया है कि अपन कंफ्यूज हो जाए। तो इसलिए अपना कंसेप्ट जो है वो आप क्लियर करके जाएँ, ऑलवेज शुड बी कंसेप्ट क्लियर, दैट्स वाई वी आर नॉट कन्फ्यूज इन देयर। ओके, सो द रेंज क्या पूछी, जैसे कि मैंने आपको देखिए कम्युनिटी सेशन में मैंने आपको बताया था, यूवी रेंज जो होती है अल्ट्रा वायलेट वो होती है 200 से 400, ठीक है। और यूवी की विजिबल रेंज देखिए 200 से लेकर 400 तक हमारी होती है यूवी रेंज, और 400 से लेकर 800 तक होती है यूवी विजिबल, है ना। ये है यूवी रेंज, ये है विजिबल रेंज, इन दोनों को क्या बोलेंगे, यूवी विजिबल रेंज। अब आपका क्वेश्चन क्या था, देखिए असिस्टेंट डेयरी केमिस्ट में क्या क्वेश्चन आया था कि वैक्यूम यूवी रीजन कौन सा होता है, तो 200 से नीचे। अब ऑप्शन अगर आपका आता है 190 से 100, तो ये वैक्यूम रीजन होगा। अब आपका क्वेश्चन था कि फार रीजन जो है वो कौन सा था, तो आपका ऑप्शन अगर आपको 300 से 400 दिखा है तो वही ऑप्शन करेक्ट है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मैंने आपको बताया था कि ऐसे मैं 200 से लेकर 400 तक अपन बोलते हैं, तो ये जो 300 से लेकर 400 दिख रहा है, मतलब आपको ये यहाँ पे कैलकुलेट लगाना था कि सो जब से फार बोले तो क्या होता है, दूर, ठीक है। तो जो 800 के नज़दीक में है सबसे बड़ी डिजिट, उसी को हमें को सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो जिसने स्टूडेंट ने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया या जिसको याद था, तो शायद मेरे हिसाब से उसका क्वेश्चन जो है वो भी सही हुआ होगा। फार यूवी का मतलब क्या हुआ, फार बोले तो दूर, ठीक है। तो हमें पता है 200 से लेकर 400 नैनोमीटर और 400 से लेकर 800 नैनोमीटर है, तो ये वाला जो रीजन है वो सर फार है, और ये वाला रीजन जो वैक्यूम रीजन है, यहाँ पे हम वर्क करते हैं यूवी में, तो ये वाला जो है फार रीजन जो है आपका 300 से 400 अगर ऑप्शन मिला तो वो करेक्ट रहेगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए होता क्या है कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि नहीं मिलता है, कई बार हमें आंसर जो है वो पता रहता है बट ऑप्शन को एग्जामिनर इस हिसाब से घुमा देता है ताकि आपको करेक्ट जो है ऑप्शन क्लिक करके आगे बढ़ना रहता है। ये सब थोड़ा सा देखिए सेंस ऑफ ह्यूमर अपन को यूज करना पड़ता है, क्योंकि हम एक कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कंपटीशन एग्जाम जो है वो फेल करने के लिए होता है, ये पास करने के लिए नहीं होता है। आप लोग अपना, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं और उनको फिल्टर करने पड़ते हैं, क्योंकि आप जानते हैं वैकेंसी जो है आपकी बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। जितने फॉर्म भरे गए उसके मेरे को लगता है 1% भी लोग नहीं लेंगे, ठीक है। तो उसको फिल्टर करने के लिए उस लेवल का पेपर बनाना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द मोस्ट इंटेंस पीक ऑफ स्पेक्ट्रम कॉल। चलो ये तो देखिए एक सपोज हो गया, क्योंकि जिस स्टूडेंट देखिए आपके कारण ही ये क्वेश्चन जो है मुझे मेरे दिमाग में आया। कैसा हुआ था, किसी स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर मास स्पेक्ट्रोमेट्री से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, तो मैंने दिमाग लगाया कि मैंने कहा भाई मास स्पेक्ट्रोमेट्री मतलब लैब असिस्टेंट के लेवल के हिसाब से मैं अगर देखूं तो सिंपल सा यही बन सकता है, एक ही क्वेश्चन बनता है कि जो मास स्पेक्ट्रा होता है उसमें सबसे बड़ी इंटेंस पीक जो होती है ना, ये इतनी सारी पीक जो है वो किस में होती है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये अपना मास स्पेक्ट्रा हो गया, इसमें ऐसे इंटेंस पीक होती है, छोटी छोटी पीक होती है ना, इसको हम मदर पीक बोलते हैं या बेस पीक बोलते हैं ना, क्या बोल ये इसको हम पेरेंट पीक बोलते हैं, क्या बोलते हैं पेरेंट, मतलब पेरेंट्स इसके, तो पेरेंट पीक या बेस पीक बोलते हैं। तो उन्होंने पूछा कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने कहा ये क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे इस पीक को क्या बोलते हैं बेस पीक, तो एज इट इज जो है पेपर पर क्वेश्चन छप गया, बहुत अच्छी बात मेरे लिए और आपके लिए दोनों के लिए। चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया, बेस पीक आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी मुझे ऑप्शन में कुछ कंफ्यूजन थी तो मैंने सीधा इसका आंसर लिख दिया। देखिए गैस इज रिलीज व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज एडेड टू वाटर, कौन सी गैस जो है वो रिलीज होती है, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन शायद बना था कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला जो है वो क्या है। देखिए कैल्शियम क्लोराइड जो है, कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड CaOCl2, ये जो है कैल्शियम का, ये ब्लीचिंग पाउडर का जो है वो फॉर्मूला रहेगा। और यहाँ पे आपका जो ऑप्शन था वो क्या था कि अगर गैस कौन सी रिलीज होती है, सो व्हेन रिएक्ट विद द वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिलीज एंड स्मॉल विच कम्स ऑफ द क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर इज येलो इज वाइट कलर, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है स्ट्रॉन्ग स्मेल क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर इज ए सॉल्युबल इन क्लोरीन वाटर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था।
नेक्स्ट यहाँ से देखिए, सबसे मुझे लगता है बहुत ही एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन पेपर बनाया गया। अजीनोमोटो का केमिकल नेम पूछा आपको। अब ये अजीनोमोटो जो है अपना मोनोसोडियम ग्लूकोमेट जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि आपने बोला होगा, जैसे कि आपने अगर करंट अफेयर से आप अवेयर रहते हैं, आपने देखा होगा कई बार बीच में जो मैगी अपनी जो है बंद हो गई थी, है ना। तो वो मैगी में यहाँ पे आपका, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं फूड एडिक्टिव्स के बारे में, है ना, तो ये जो अजीनोमोटो है ये आपका एक दिस इज अ टाइप ऑफ फूड एडिक्टिव जो कि अपने बॉडी के लिए हार्मफुल रहता है ना। वो बाद में पता चला कि भाई हार्मफुल रहता है, इसलिए काफ़ी सारी कंट्री में ये बंद है और काफ़ी सारी कंट्री स्टिल जो है वो यूज करती है, ऐसा कुछ है नहीं। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट इसका जो केमिकल नाम है वो यही है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। देखिए बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आया, फ्रूट एडिटिव में से इसको पूछ लिया गया, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, शायद मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के सही हुआ होगा। और देखिए ये नेचुरली भी प्रेजेंट रहता है, जैसे कि किसी फूड में, टमाटर में, चीज़ में, है ना, ये भी अजीनोमोटो जो है आपका प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी 20, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा था। आर एफ वैल्यू मैंने आपको बताया था, आर एफ वैल्यू किसको बोलते हैं, देखिए आर एफ वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो हमारी टीएलसी प्लेट होती है, टीएलसी प्लेट में हम जब मोबाइल फेज रन करते हैं तो यहाँ तक हमने मोबाइल फेज भरा हुआ होता है, और मोबाइल फेज जब हम रन करते हैं, मोबाइल फेज रन होता है, यहाँ तक सपोज करो जैसे कि हमने मोबाइल फेज रन करवाया, तो आर एफ का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट ने कितना ट्रेवल किया, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूट कितना होगा, देखिए सॉल्यूट तो यहाँ तक ही पहुँचता है, ज़्यादा तो पहुँच ही जाएगा, तो ये कॉमन सेंस ही बात है कि भाई यहाँ यहाँ तक सॉल्यूट पहुँचता है और यहाँ तक सॉल्वेंट पहुँचा है, ठीक है। तो कम में से ज़्यादा को डिवाइड करेंगे तो हमेशा जो वैल्यू है वो एक से कम आएगी, तो इसकी रेंज जो है वो 0 से 1 के बीच में आती है ना, 0.1, 0.2, 0.3, 0.9 और 1। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अगर क्वेश्चन ऐसा आया है कि मैक्सिमम वैल्यू, तो 1 से ज़्यादा नहीं होती है ना, लेस देन 1 हमेशा रहता है आर एफ वैल्यू, है रिटेंशन फैक्टर। तो मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन बता दिया था कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो फुल फॉर्म जो है रिटेंशन फैक्टर है, और इसकी रेंज जो है वो 0 से लेकर 1 के बीच में रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज प्रोटीन डाइजेस्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो मैं 3 से 4 बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया था प्रोटीन जो है पेप्सिन एंजाइम जो है स्मॉल अपने स्टोमक जो है पेट में पेप्सिन से डाइजेस्ट होता है, और जैसे ही वो इंटेस्टाइन में जाता है तो ट्रिप्सिन जो एंजाइम है उसके पीछे जो है रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो है रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, किसमें, इंटेस्टाइन में। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता था, उसकी पीएच जो है जैसे कि हमारे एमसीक्यू में हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको सिंपल सी इसकी पीएच पूछ ली थी, और पीएच पूछते समय मैंने आपको ये भी बताया था कि याद रखना ट्रिप्सिन जो है वो इंटेस्टाइन में जो है डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को, ठीक है। तो होपफुली आपको याद रहा होगा और आपने ये क्वेश्चन भी सही किया होगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस बहुत अच्छे सारे क्वेश्चन जो है, 9 से 10 क्वेश्चन ज़्यादा ही मैं बोल सकता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिले, मुझे खुशी हुई आप लोगों को हेल्प मिला मेरे वीडियो से। तो यहाँ तक सारे के सारे क्वेश्चन जो है मैं ऐड कर पाया, बाकी सारे क्वेश्चन जो है मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, किसी स्टूडेंट ने बोला बट मैं इसको प्रॉपर वे में उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। जहाँ तक मुझे लगता है मैंने लगभग लगभग सारे क्वेश्चन जो है कवर कर लिए, इसके अलावा लगभग हमने 40 में से 21 क्वेश्चन जो कवर कर लिए, ये भी सबसे बड़ी बात है। बाकी जो भी है कोई नहीं, जिसका क्वेश्चन पेपर अच्छा गया उसको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिसका ठीक नहीं गया कोई दिक्कत नहीं है, आगे और भी मौके आएंगे, चिंता नहीं करें, ओके। और मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर आपके हिसाब से जो है कट ऑफ कितनी रहेगी, तो भैया देखिए ऐसा है कि मैं कभी भी थोड़ा गैस वर्क थोड़ा कम करता हूँ, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, और मैं गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देता हूँ, ठीक है। जैसा कि आपने देखा होगा अभी तक सारे वीडियो में जो मुझे पता होता है, जिसकी मुझे नॉलेज होती है, वही इन्फॉर्मेशन, सही और सटीक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। जो मुझे पता नहीं होता उस चीज़ों को मुझे मैं न बताता हूँ, ठीक है। तो कट ऑफ का मुझे कोई आइडिया नहीं है, जब रिजल्ट आएगा तब देख लीजिएगा, है ना। तो ये ऐसे कट ऑफ कितनी रहेगी, है ना, कैंडिडेट कितने थे, ये सब मुझे लगता है ये इन बातों पे ध्यान ना दें आप, ठीक है। आप तो अपना बेस्ट दें, एग्जामिनेशन पेपर टॉप करना था, अच्छे से करना था, वो कर लिए बस, ठीक है। कट ऑफ जब भी आएगी, आंसर की भी आएगी, कट ऑफ भी आएगी, रिजल्ट भी आएगा, ठीक है। तो वो जान के पहले से अपने मन को दुखी ना करें, ठीक है। बेस्ट आपने अपना बेस्ट दे दिया, दैट्स ऑल, ओके, पेपर इज कंप्लीट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए
और भी क्वेश्चन कभी रहेंगे तो मैं आपको डिस्कस कर लूँगा। वैसे ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। देखिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।